इस पवित्र मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर परमवीर कर्म नेता अब्दुल हमीद के स्मृति के लिए यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसके अध्यक्ष कैप्टन मकसूद अली कोवी जी, उनके सुपुत्र जनरल जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगनी, प्रवेश द्वार पर बाएं तरफ एक पंक्ति लिखी है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर उनकी कुर्बानी का यही बाकी निशान होगा। भक्तों में शहीद अमर हो जाते हैं, कैसे? उनका अपना बलिदान एक अपने आप में एक बहुत महान कृति है, अपने आप पर अपने देश में परंपरा से इसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है, जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपश्चर्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहां ऐसे कहा गया, द्वाविमुख पुरुषों लोके सूर्य मंडल भेदिनो, ये जो दिखने वाला संस्कार है उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है परिव्रात योग युक्तश्च, दूसरा है रणेचा विमुखे हता। एक वो होता है कि जो योगी बनकर और सतत सक्रिय रहता है आत्म साधना में और लोक सेवा में, और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर अपनी आत्माहुति देने वाले। तो अपनी मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए, परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना, ये जितने दिन हम शुरू रखते हैं, जितने साल शुरू रखते हैं, जितने युगों तक चलाते हैं, उतने युगों तक शहीद अमर होते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन की कल्पना यही है, एक तो वो मनुष्य है, आदमी है, आदमी और जानवर में क्या फर्क है? आप बायोलॉजी के, जूलॉजी के या मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को या उसको जानने वालों को कहेंगे तो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। अपने आप एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य नेत्र पशु नारायण, पशु और नर इनमें भोजन करना करना, अपना प्रजा परिवार बढ़ाना और सब प्रकार के खतरों से बचना, इसलिए थोड़ा सा मन में भय रखकर जीना, ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की अलग नहीं है इससे। परंतु मनुष्य पशुओं से अलग इसलिए है कि उसके मन में संवेदना होती,
पशु घास खाता है तो अकेला खाता है, के समय उसका पेट जब तक नहीं भरता तब तक उस घास को दूसरे को मुंह लगाने नहीं देता, और उसका खाना हो गया तो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर उस घास का क्या हुआ उसको कोई चिंता नहीं, कल के लिए गट्ठर बांध के घर नहीं ले जाता, और दूसरा कोई खाए तो भी परवाह नहीं करता, अपनी भूख मिट गई काम हो गया। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य अकेले नहीं खाता, उसको अपने परिवार के खाने की चिंता रहती है, खुद भूखा रखकर भी परिवार वालों को खिलाता है, खुद पढ़ना पढ़ना छोड़कर अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता है, और इतना ही नहीं तो खाने को बैठा है और सामने कोई मांगने वाला आ गया तो फिर वो अकेला नहीं खा सकता, वो मांगने वाला है उसको देगा, विदा कर देगा फिर खाएगा, अथवा नहीं तो उसको भगाएगा फिर खाएगा, उसकी ओर पीट करके खाएगा, लेकिन वो सामने है तो ये खाना नहीं खा सकता, क्योंकि भूखे आदमी को देखकर उसके दर्द की अनुभूति कुछ मात्रा में खाने वाले को भी होती है, क्योंकि वो मनुष्य, और इसके चलते मनुष्य संबंध बनाता है, वो स्वयं है वो अपने लोगों को बनाता है। एक ही माता पिता के जाए अपने भाई मानता है, विवाह करता है तब पराये घर की लड़की घर में आता है, उसके रिश्तेदार इसके रिश्तेदार हो जाते हैं, गांव में रहता है तो गांव वालों से उसके संबंध बनते, अपना गांव हो जाता है। मनुष्य का विकास इसी तरह होता है, विकास यानी केवल ऊपर की बातें अच्छी बनी तो उसको विकास, मनुष्य का विकास नहीं कहते, प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक जीव की जो प्रवृत्ति है वैसा उसने होना ये विकास है। अब सर्कस में शेर और बकरी एक थाली में खाना खाते और बंदर फुटबॉल खेलते हैं, साइकिल चलाता है, हम पैसा देकर टिकट खरीद कर देखने जाते हैं, लेकिन उसको विकास नहीं कहते। उन पशुओं का विकास ऐसा नहीं है, वो तमाशा है। शेर और बकरी ये एक थाली में खाने का विकास नहीं है, बकरी का विकास अपने वाड़े में है और शेर का विकास अपने जंगल में है। हाथी साइकिल चलाए ये उसका विकास नहीं है, हाथी बड़े बड़े पेड़ों को टूल में लटक कर उखाड़ ले ये उसका विकास। ऐसे ही मनुष्य का विकास पशुओं के जैसा केवल अपनी चिंता करना इसमें नहीं है, अपने आदत हम जितने ज्यादा लोगों की चिंता को भी करता है उतना वो बड़ा है। केवल अपनी चिंता करने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता, भला आदमी कम से कम उसको कहते जो अपने परिवार की चिंता करता है, अच्छा लड़का है उसने अपने परिवार को ठीक से बनाया ठीक से रखा ऐसा कहते। और ऐसा परिवार अगर गांव के काम आने वाला परिवार हो तो फिर कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा गांव का है, एक साथ वाला परिवार है, इनके कारण गांव की बड़ी इज्जत है। और वो गांव अगर अपने देश में अच्छे लोगों को देकर देश की उन्नति में सहायक होता है तो कहते हैं कि ये गांव देश की उन्नति में सहायक है, ये अच्छा गांव है। ऐसे और गांव होंगे, एक मुझे मालूम है महाराष्ट्र में दापोली नाम का एक गांव है कोकण इलाके, उस एक ही गांव से चार बड़े लोग निकले, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर भी उसी से निकले, जिनको भारतरत्न मिला है, चार भारतरत्न एक ही गांव में दिए, उस गांव का नाम है, उस गांव का नाम अच्छा नाम है। तो आप जितने अधिक लोगों के काम आएंगे उतने आप अच्छे आदमी हो। और ऐसा अगर कोई महात्मा बन जाए उसकी अपनी है, उसके लिए कोई पराया नहीं कोई दुश्मन नहीं, वो सबकी चिंता करता है सबकी सेवा करता है,
और भगवान की भक्ति में मस्त रहता है। तो उसके सामने तो बड़े बड़े नेता लोग भी साष्टांग नमस्कार डालते, उसके पास एक पैसा नहीं रहता, हटे चिथड़े पहनता है, कहीं चुनाव में खड़ा रहता नहीं, जीतता नहीं, कुछ नहीं होता है। परंतु इन सब क्षेत्रों के बड़े बड़े लोग भी उसके सामने नमस्कार करते हैं। फकीरी में ही हमें भी मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति सबको अपना मानता है, सबकी सेवा करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है सबके लिए करता है। हमारी मनुष्य के विकास की ये कल्पना है, और उस विकास में मैं, उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद गांव, उसके बाद अपना जनपद, उसके बाद अपना प्रदेश, उसके बाद अपना देश, ये सीढ़ियां है, ये विरोधी नहीं है। क्रमिक विकास करता है आदमी, बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं जानता, खुद को जानता है, भूख लगती है रोता है, भूख मिटती है हंसता है या सो जाता है, लेकिन दो तीन दिन में भूख मिटाने वाली माँ उसको परिचित हो जाती है, तो फिर माता और उसका अपनी एक दुनिया होती है। धीरे धीरे बड़ा होता है तब वो ये समझता है कि मैं और मेरे माँ बाप नहीं केवल और भी रिश्तेदार हैं, उन सबके साथ उसका प्रेम होता है, उन सबके लिए वो काम करने लगता है छोटे बड़े। ऐसा करते करते समझदार बनता है, तो गांव में अपने परिवार को कैसे रहना चाहिए, रखना चाहिए वो समझता है, और गांव जब अच्छा होता है तो वो अपनी दायित्व समझकर अपने जनपद में योगदान देता है, अपने गांव में बुरे प्रभावों को आने नहीं देता। ऐसे क्रमशः अपने यहां मनुष्य का विकास विश्व तक होता है, सृष्टि तक होता है। इसको मनुष्यता का विकास माना है। और परमवीर अब्दुल हमीद जैसे वीर लोग हमारे सामने ये विकास कैसे करना उसके उदाहरण है। एकाएक तो होता नहीं, अपने जवान सीमा पर लड़ते हैं तो लड़ाई में गोली आ गई लग गई इसी वक्त, ऐसा नहीं होता है। उन गोलियों के सामने दो ही विकल्प रहते हैं, गोलियों के सामने जो आदमी खड़ा है उसके दो विकल्प रहते हैं, वो चाहे तो भाग सकता है लेकिन वो भागता नहीं है, वो कहता है कि मुझे सीमा के रक्षण का दायित्व लिया, इतनी सारी गोलियां चल रही, पता नहीं किसी गोली पर मेरा नाम भी लिखा होगा लेकिन मुझे भागना नहीं है, प्राण देकर भी रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये भूमि मेरी मातृभूमि है, इस भूमि में रहने वाले इस मातृभूमि के सब लोग मेरे अपने भाई है, मैं उनके लिए जीता हूं, मरना है तो उनके लिए मरूंगा, अपने लिए जीऊंगा नहीं, केवल अपने लिए मरूंगा नहीं। ये मन बना होता है सैनिक का, भारतीय सेना की यह बात है, अन्यत्र क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत की सेना के सैनिक अपने वेतन के लिए नहीं लड़ते, वो अपने देश के लिए लड़ते, इसलिए उनका उदाहरण होता है हमारे सामने। प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए जिए और देश के लिए बलिदान दिया। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, जो पढ़ तो हम सकते हैं ग्रंथों में, हम भाषणों में सुन सकते हैं जैसे आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन इसे करने की हिम्मत तभी होती है जब कोई अपने जैसा ये हिम्मत करके दिखा। ये हमारे सारे वीर जवान अपने जैसे ही गांव से गए, ट्रेनिंग लिया, लेकिन इस प्रसंग पर वो ये धैर्य दिखाते हैं, वो ये हिम्मत दिखाते हैं, वो ये साहस दिखाते हैं, वो ये समर्पण दिखाते हैं। उस परीक्षा की घड़ी में वो 100% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण होते हैं, और इसलिए उनको उत्तम गति तो प्राप्त तो होती ही है, लेकिन वो हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण बनते हैं और हम इसीलिए उनका स्मरण करते हैं। दुनिया में इतने लोग जीते, अपने देश में भी इतने सारे लोग जीते,
बड़े बड़े लोग भी है, लेकिन अपने बच्चों को हम सबकी कहानियां नहीं बताते, अपने बच्चों को हम उनकी कहानियां बताते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ भला काम करने में अपनी जिंदगी खपा ली, और अगर प्रसंग आया तो मृत्यु का भी वर्णन किया। ये एक बात है, वो हमको जोड़ती है सबको। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, लंबा चौड़ा देश है, बहुत प्राचीन परंपराएं, तो भाषाएं तो अनेक होनी है। हर एक आदमी का अपना अपना बुद्धि, अपना अपना दिमाग रहता है, अपनी अपनी सोच रहती है, तो पूजा परंपरा संप्रदाय पंथ अनेक होने ही है। खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं, अन्न पानी उसके अनुसार बदलता है। ये सारी विविधताओं के होने के बावजूद अपना देश हजारों वर्षों से एक देश के नाते चल रहा है, और हम एक राष्ट्र है, एक समाज है, इसके लक्षण मिलते हैं। जैसे कोई विदेश हमला करता है हमारे देश पर, चीन ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, अभी भी खतरा तो बना है, तो क्या होता है, देश के सब लोग आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ देते हैं, और जब तक वो खतरा है तब तक एक बंदर खड़े रहे, क्योंकि मूल में ये एकता हमारी है। उसका आधार क्या है, हम सब लोग अपने देश से भक्ति करते, केवल प्रेम नहीं करते, हम भक्ति करते हैं। हम उस समय ये नहीं सोचते कि देश ने हमको क्या दिया, देश ने कुछ नहीं दिया हो तो भी हमको देना ही देना है, क्योंकि हम सोचते हैं देश ने हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन वास्तव में देश ने ही हमको सब कुछ दिया है, देश ने ही दिया है। ये हमारा शरीर बना है तो यहाँ के मिट्टी में उपजा हुआ अन्न खा के, यहाँ के नदियों का पानी पी के बना है, यहाँ की हवा से हम सांस भरते हैं, यहाँ की मिट्टी का जो खाते हैं उसी से अपना रक्त बना है, यहाँ की परंपरा संस्कार सब लोगों पर है, इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी हम लोग एक बात मानते हैं कि भाई पराई महिला माता समान होती है, धन अपने को नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का उठाएंगे, शॉर्टकट से अधिक ऐसा नहीं चाहेंगे, व्यवहार दलित हमारा विपरीत हो गया हो, मान्यता तो यही है, जो पराये धन का अपहरण करते उसको वो बड़ा होता होगा उसको अच्छा नहीं मानेंगे, महिलाओं के बारे में दृष्टि नजर जिसकी ठीक नहीं है कोई भी हो उसको अच्छा तो नहीं मानते। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों ने शराब पीनी चाहिए ऐसे नहीं सोचता, क्योंकि इसको पता है कि मैं पी रहा हूं लेकिन शराब पीना खराब है, वैसे मानना तो हमारी ही है। और हम कहते हैं कि भाई अपने को जिस बात से तकलीफ होती है उस वैसा दूसरों के साथ मत करो, ये पूरे देश में है, पूरे देश में है। पहले अपना देश एक था, बाद में उसके टुकड़े हो गए, लेकिन वो जो एक अपना देश था, आज कोई भी देश हो वो वहां भी यही है, अफगानिस्तान से बर्मा तक, श्रीलंका की दक्षिण से तिब्बत के चीन की तरफ दलान तक जितने लोग है उन पर इन तीन बातों का कम अधिक प्रभाव दिखता ही है, उनकी पूजा कोई भी हो, उनकी भाषा कोई भी, कुछ भी हो, वस्तु स्थिति है। ऐसे ही ऐसा जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो उनके आदर्श है, वो उनके गौरव है, उनकी कहानियां बताई जा रही, उनके जैसा होने का प्रयास होता है, बच्चों पर उनके जीवनों के संस्कार डाले जा रहे। और तीसरा और मुख्य ये है, इसमें कम अधिक होगा परंतु अपनी इस मातृभूमि भारत के प्रति प्रेम भक्ति सर्वत्र है,
ऊपर से कुछ भी दिखता हो। तमिलनाडु में एक पार्टी है डीएमके, जानते हैं आप, उनकी सत्ता है बहुत दिनों से, वहां आते जाते रहते हैं, लेकिन है पहली बार उनकी सत्ता है तो मुख्यमंत्री बने अन्ना दुरई। अब वो लोग ऐसा कुछ विचार बोलते हैं कि भारत से हमारा वैसे संबंध नहीं है, कि उत्तर के लोग सब अलग है, हिंदी हमको नहीं चाहिए, हम अलग है, हम तमिल है, तमिलों का एक अलग राग है, ऐसा बोलने वाले वो है, ऐसे मुख्यमंत्री थे। लेकिन 1962 में चीन का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय चेन्नई के मरीना बीच पर बड़ा प्रसिद्ध सागर किनारा वहां का विशाल, उसमें एक विशाल सभा हुई पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हिमालय पर हमला, तमिलनाडु पर हमला, क्योंकि ये अवसर ऐसा आया कि जिसके अवसर भारत माता उसको धक्का लग रहा है, तो जो अंदर का सच है वो बाहर आ गया। आजकल बहुत सारी बातें इधर उधर हम सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं, मीडिया का इधर उधर का सारा होता है, देखते हैं, मन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन ध्यान रखना ये सारी बातें होने के बावजूद ये तीन बातें सत्य है, अपनी मातृभूमि, अपनी प्राचीन काल से चलती आई हुई संस्कृति, और उस संस्कृति के लिए, उस देश के लिए खून पसीना बहाने वाले अपने पूर्वजों का आदर्श, ये बातें हम सबको जोड़ने वाली बातें हैं, और ये बातें हम सबको एक बनाती है, कितना भी उल्टा वातावरण बाकी समय हो, ये बातें धुल नहीं जाती, ये बातें मिट नहीं जाती, समय आने पर अपने दिल से प्रकट होती। परमवीर अब्दुल हमीद जी का बलिदान उसके लिए था, उनका सारा जीवन उस प्रकार चला, चरित्र में है जीवन का तपसील। ठीक, अच्छे गृहस्थी थे, कुटुंब वत्सल पिता थे, और गांव वालों से भी घुल मिल कर रहते थे, गांव की भी चिंता करते थे। जो मैंने कहा कि बच्चे का बचपन से ऐसा धीरे धीरे विकास अपने यहां होता है, उस विकास के जो उदाहरण थे, और उस विकास का सर्वोच्च शिखर अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जीवन समर्पण, ये उनके जीवन में हुआ, हमारे लिए उनका जीवन उदाहरण बन गया। उनके नाम से यहाँ पर अपने गांव में पार्क बना है, प्रतिवर्ष इस दिन आपको सबको यहाँ आना चाहिए, प्रतिवर्ष कम से कम आज है इतनी संख्या रहनी चाहिए, और केवल यहाँ आके एक बार स्मरण करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, तो उस समर्पण का, उस देशभक्ति का, राष्ट्रीय एकता के भान का स्मरण करते हुए अपने जीवन में अगर कुछ कमी हो तो उसको प्रतिवर्ष सुधारना चाहिए। एकदम अच्छे नहीं होते, थोड़े थोड़े अच्छे बन सकते हैं, ऐसा बनना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर जो हर बरस मेले लगते हैं उनका यही प्रयोजन होता है, उनका क्या स्मरण, उनको तो अपने स्मरण की आज जरूर नहीं है, क्योंकि वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, उनको तो भगवान ने स्मरण में रखा है, हमको उनके स्मरण की जरूर है, हमको उनका जैसा आदर्श जीवन अपना बनाना है, और इसलिए ऐसा स्मरण प्रतिवर्ष करना, उस स्मरण के प्रकाश में तो संकल्प करना कि दो बातें ये मेरे में त्रुटि है, कमी है, नहीं की मैंने, मैं अगले साल भर में इसको पूरा करूंगा, अगले साल के स्मरण में दूसरा नया संकल्प, ऐसे जीवन भी इस प्रकार बने तो अपना देश कैसा बनेगा कल्पना कर सकते हैं, और वैसा अपना देश बनने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया को अपने देश की आज आवश्यकता है, तो अपना देश बचना भी चाहिए, अपना देश बढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो अपने आप बचता नहीं, अपने आप बढ़ता नहीं, देशवासियों को खुद को पहचान कर अपने सामने ऐसे जो आदर्श है उनका क्रमशः अनुकरण करते हुए ऐसा बनना पड़ता है,
हम जब ऐसे बनते हैं सामान्य लोग, तब देश बड़ा होता है, और अपना देश जब बड़ा होता है तब दुनिया को सुख शांति मिलती है। ये समय बता रहा है कैसी सुख शांति पूर्ण दुनिया लेने वाला भारत। हम सब लोग शहीदों के स्मरण और अनुकरण से अपने जीवन में परिवर्तन लाकर खड़ा करें, ये आज के दिन का प्रयोजन है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने चिंतन के लिए वो विषय आपके सामने रखा है, आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार।